हेलो फ्रेंड्स, जेएमडी ऑल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MI6A का MI अकाउंट या FRP या फ़ोन को अनलॉक हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहना, आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखना। और मेरे चैनल पे यदि आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो आज हम लोग MI6A का MI अकाउंट को कैसे हटाना है, FRP को कैसे हटाना है, फ़ोन को अनलॉक कैसे करना है, फ़ोन को कनेक्ट कैसे करना है, तो वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं UMT से आप लोगों को बताने वाला हूँ, सॉरी पहले नहीं बताया, UMT डोंगल से MI6A का MI अकाउंट या FRP को कैसे हटाना है वो मैं आज आपको बताऊँगा। ये मैं UMT ओपन करता हूँ, अल्टरनेट मल्टी टूल मिसिंग का, और सॉरी मेरा डाटा नहीं लगा है, मतलब डोंगल नहीं लगाया, कल लगा के मैं ओपन करता हूँ। आप लोग वीडियो बने रहे हैं, उससे पहले मुझे कभी कभी UMT काम नहीं करता, एक सॉफ्टवेयर है जो इसमें इंस्टॉल रहता है उनकी वजह से UMT काम नहीं करता, अभी वो नहीं है बट कभी कभी आ जाता है। ठीक है, मैं डोंगल लगाता हूँ, आप लोग वीडियो पर बने रहें। तो मैंने अपना डोंगल कनेक्ट कर दिया हूँ, यहाँ पे देखिए सिंबल आ गया है। तो अब मैं ये टूल को ओपन करता हूँ, अल्टीमेट मल्टी टूल, क्योंकि 6A मीडियाटेक CPU है वो इन्हीं के द्वारा होगा। ये देखिए मेरा अल्टीमेट मल्टी टूल ओपन हो चुका है। अब मुझे किस तरह से फ़ोन को कनेक्ट करना है। 6A में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि 6A का कनेक्ट नहीं हो पाता है फ़ोन, ये मेन फंडा है। ठीक है, तो मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनना, मैं अभी सॉरी दिखा नहीं सकता फ्रेंड्स, अभी मेरे पास कुछ उतना मतलब एडिटिंग वगैरह मैं नहीं, मुझे उतना नहीं होता है, इसलिए मैं सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरह से करना है, बट मैं बोल के समझाऊँगा पूरा। ठीक है, तो जिस तरीका से मैं आप लोगों को बोल के बता रहा हूँ सेम उसी तरीका से आप लोगों को करना है, और आने वाले टाइम में होगा तो मैं फुल्ली मतलब दिखा के भी करके दिखाऊँगा, बट मैं अभी अकेला हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता उतना, इसमें टाइम चाहिए, इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको दिखा रहा हूँ। बट वीडियो को कट ना करना और मेरे बातों को ध्यान से सुनना, आपको कनेक्ट किस तरह से करना है। 100% आपका फ़ोन कनेक्ट होगा और 100% MI अकाउंट चाहे FRP हो वो आपका हट जाएगा, 100% हो जाएगा। आप फ़ोन का पैटर्न या लॉक वगैरह जो भी है वो भी कुछ सेकेंडों में वो आप लोगों का हट जाएगा। ठीक है, तो आइए बता रहे हैं कि आपको कनेक्ट करना है किस तरह से। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ फ्लैशर पे रहने देना है। ठीक है, फ्लैशर पे रहने के बाद अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है, फ़ोन को बंद कर लेना है। फ़ोन स्विच ऑफ करके उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले ये डिसेबल ऑथ आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहा है वॉल्यूम अप एंड डाउन। तो आपको करना क्या है, फ़ोन का वॉल्यूम अप और डाउन बटन को एक साथ प्रेस करके USB लगा देना है। ठीक है, USB आप लगा दोगे तो यहाँ पर ये कनेक्टिंग ऑलरेडी सक्सेसफुली यहाँ पे दिखा देगा, मतलब जब ये प्रोसेस मतलब देख लोगे कि प्रोसेस यहाँ स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप लोगों को बटन छोड़ देना है, तो वो क्या होगा, आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा और आपको डिवाइस मैनेजर में पोर्ट में आपको मीडियाटेक ड्राइवर दिखा देगा। ठीक है, फ़ोन तो अभी मेरे पास है नहीं,
बट मेरे पास आया था फोन, मैं सॉरी उस टाइम मुझे याद नहीं था, मैं भूल गया था, नहीं तो मैं उसका करके दिखाता आप लोगों को। तो आप लोगों को यही करना है, सबसे पहले फ़ोन को बंद कर लेना है, डिसेबल ऑथ पे क्लिक कर देना है, उसके बाद वॉल्यूम प्लस और माइनस दबा के केबल को लगा देना है, ये सक्सेसफुली आपका ड्राइवर ले लेगा। उसके बाद वॉल्यूम प्लस माइनस फिर छोड़ देना है दबा के, यहाँ पे देखोगे आप प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो छोड़ देना, उसके बाद ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद आपको करना क्या 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 है, आपको सॉरी यहाँ मेरा ये स्टार्ट है, इसे आपको बंद नहीं करना है, वो ड्राइवर यहाँ ले लेगा ना तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ जाना है, बट मैं अभी बंद किया आपको, लेकिन ये नहीं करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यदि आपको इसका फैक्ट्री रिसेट करना है, वैसे तो हार्ड रिसेट वो हो जाएगा, हाथों से हो जाएगा, यदि उसमें आपका FRP आ गया तो। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इसका MI अकाउंट को कैसे हटाना है। तो इतना काम करने के बाद आप लोगों को फ़ोन को कनेक्ट रहने देना है, फ़ोन को निकालना नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा MI अकाउंट रिसेट, ठीक है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक, क्लिक करने के बाद आप लोग देखोगे कि आपका प्रोसेस नहीं ले रहा होगा, फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा होगा। तो आप लोगों को करना क्या है, डाटा केबल को निकालना बिल्कुल नहीं है, डाटा केबल को लगा रहने देना है। उसके बाद फ़ोन को वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को दबा के रखना है जब तक यहाँ पे प्रोसेस चालू ना हो जाए। दबा के कुछ सेकंड रखोगे, ये ऑटोमेटिक आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा, चालू होने के बाद आप लोगों को छोड़ देना है फिर, और ये प्रोसेस डन कर देगा। ठीक है, कुछ सेकंडों में ये डन हो जाएगा। तो इसी तरीका से आप लोगों को, जैसे अब FRP आ गया तो FRP भी इसी तरीका से करना है। उसके लिए भी आप लोगों को सबसे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है, डिसेबल ऑथ पे क्लिक कर देना है और वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के फ़ोन को लगा देना है, कनेक्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सॉरी स्टॉप नहीं करना है यहाँ, बट मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को स्टॉप नहीं करना है, ऑटोमेटिक आप लोग यहाँ पे आ जाए, डायरेक्ट कनेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे आ जाना है और रिसेट FRP पे क्लिक करके बस फिर से डाटा केबल लगा हुआ ही होना चाहिए, उसे निकालना बिल्कुल नहीं है, और प्लस माइनस पावर बटन को फिर से दबा के रखना है। एक साथ आपका फ़ोन 100% कनेक्ट होके FRP डन कर देगा, ये मेरी फुल्ली गारंटी है, 100% मैं बता रहा हूँ। सेम ऐसा ही होता है, मैंने किया है, आप लोगों को इसी तरीका से आप लोग फॉलो करना और आपका 100% MI अकाउंट भी रिमूव हो जाएगा, रिसेट FRP भी हो जाएगा 6A का। बस 6A में मेन फंडा वही होता है कनेक्टिंग का। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरह से कनेक्ट करना है। तो आप लोगों को अल्टीमेट मल्टी टूल को ओपन करना है, उसके बाद आप लोगों को डिसेबल ऑथ पे क्लिक करना है, फ़ोन को ऑफ कर देना है पहले ही। डिसेबल ऑथ पे क्लिक करने के बाद आपको वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के केबल को लगा देना है, यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको बटन छोड़ देना है। प्रोसेस कंप्लीट यहाँ पे जब हो जाएगा आप लोगों को आ जाना है यहाँ पे टूल एंड FRP में, यहाँ ऑटोमेटिक आपका ये टूल एंड FRP में आ जाएगा। अभी मेरा नहीं आ रहा है क्योंकि ये मैंने फ़ोन नहीं लगाया हूँ ना, तो मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा। कनेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है और केबल को निकालना नहीं, केबल लगा हुआ ही रहने देना है। उसके बाद आप लोगों को MI अकाउंट रिसेट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको फ़ोन में याद रहे केबल को निकालना नहीं है, केबल लगा हुआ ही रहने देना है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ वॉल्यूम प्लस माइनस और पावर बटन को दबा के रखना है, कुछ सेकंड तक दबा के रखोगे, यहाँ पे देखना आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको छोड़ देना है और आपका MI अकाउंट रिमूव हो जाएगा। और FRP सेम तरीका जिस तरह से मैंने बताया उसी तरीका से सेम आपको करना है, आपका 100% डन होगा, फुल मैं गारंटी लेता हूँ 100% ये आपका डन हो जाएगा। ठीक है, तो कनेक्ट किस तरीका से करना है आपको मैं बता दिया, आप इस तरह से करना आपका 100% होगा। और यदि इस तरीका से फ्रेंड आप लोगों वीडियो देख के यदि कर लेते हो तो प्लीज़ कमेंट्स करना और मेरे वीडियो को लाइक करना, होगा तो शेयर भी करना और फ्रेंड सब्सक्राइब करना, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, सपोर्ट करोगे तो मैं और भी आगे बहुत कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बाय।